एंड बालजी। सो गाइस, आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ इन 21 डेज के बारे में। 21 डेज का ये जो लॉकडाउन हुआ है, ये घर पर रहना इज नॉट दैट मच ईजी। तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि घर पर रहकर कब तक बोर होते रहे, क्या क्या करें क्या ना करें, तो सबको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप बाहर रह रहे हो, आप बाहर रहते हो या जॉब करते हो या कॉलेज जाते हो, तो इट्स डिफ़िकल्ट कि आपको पूरे टाइम घर पर रहना और ऐसे बांध कर रखना थोड़ा सा बुरा लगता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो घर पे रहो तो ज़्यादा सेफ रहोगे और भी लोग ज़्यादा सेफ रहेंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ कुछ आइडियाज़ के बारे में, जिससे कि आप ये 21 डेज बहुत ईजिली स्पैन कर सकते हो और आफ्टर कंप्लीट दिस 21 डेज आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने कितने अच्छे से यूटिलाइज किए 21 डेज को। क्योंकि पूरे टाइम जब भी हम नॉर्मल डेज जो होते हैं उसमें हम क्या बोलते रहते हैं एक दूसरे से कि यार बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो अब तो आपके पास टाइम ही टाइम है। तो ये एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी मत किसी को बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं है। नाउ यू आर फ्री फॉर एवरीथिंग। सो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, इसकी देखो मैंने कुछ छोटी सी लिस्ट भी बनाई हुई है। सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आप इन 21 डेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो खुद को। और एक्सप्लोर करना इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नॉर्मल जो हमारी बिजी लाइफ होती है ना, उसमें हम खुद को जान ही नहीं पाते, एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। सो नाउ यू हैव टाइम टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। सो जस्ट फोकस ऑन दीज 21 डेज ऑन योर सेल्फ। सो मैं इसको बोलूँगी, मेरे ये लॉकडाउन नहीं है, इट्स हैशटैग मी टाइम। ओके, सो इस मी टाइम पर अच्छे से ध्यान दो और इसको यूटिलाइज करो। उसके अलावा मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, ट्राई टू शेयर विद योर व्हाट्सएप ग्रुप, इन योर व्हाट्सएप स्टेटस। आप स्टेटस पे लिंक लगा सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की। सो बस शेयर करो जितना ज़्यादा कर सकते हो। सो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले आइडिया से। द आइडिया इज़ द पर्सनल केयर। सो आप इस टाइम पे अच्छे से अपनी पर्सनल केयर कर सकते हो, जो कि हम नॉर्मल डेज में नहीं कर पाते। जस्ट लाइक पर्सनल केयर का मतलब क्या है कि आप अच्छे से अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज कर सकते हो, फेस मास्क लगा सकते हो, बहुत सारे DIYs कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन पे पिंपल्स होते हैं, एक्ने हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं। तो इस टाइम पे आप ईजिली जो होम रेमेडीज होती है ना, जैसे कि कहते हैं ना कि दूध लगाओ, नींबू लगाओ, तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो इससे आपकी बॉडी भी और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, आपकी बॉडी को और ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगा। आप बहुत सारी चीज़ें खुद के लिए कर सकते हो, तो इट्स योर पर्सनल केयर टाइम। ओके, सेकेंड बुक्स। बुक्स इज द बेस्ट पार्ट, सीरियसली। बट मेरे साथ सिर्फ मेरी एक ही बुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे पास सिर्फ मेरी एक ही बुक है। क्योंकि मैं आई थी होली की छुट्टियों में और मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा लॉकडाउन हो जाएगा, तो मेरी सारी बुक्स हॉस्टल में हैं। आई रियली मिस माई बुक्स, बिकॉज विदाउट बुक्स अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, और मेडिकल स्टूडेंट विदाउट बुक्स रह ही नहीं सकते ना। सो मेरे पास सिर्फ ये एक ही बुक है, इसको मैं जब भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। इट्स रियली वेरी गुड बुक, बिकॉज मेरी भाई मेडिसिन है इसमें। सो इसको जितने बार मैं पढ़ सकती हूँ उतनी बार पढ़ने की कोशिश करती हूँ। बट फिर भी अगर आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप अपनी जो कोर्स की बुक्स है वो पढ़ो। अगर आपको वो नहीं पढ़ना है तो आप अपनी नोबल्स पढ़ सकते हो, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स आती है। मैं डेफिनेटली आपको अनदर वीडियो के अंदर बताऊंगी कि आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो उस टाइम पर, अगर आपके होम पे अवेलेबल है। अगर नहीं है तो इट्स ओके, आपके पास जो भी बुक्स हैं वो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यार नॉलेज लेने के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये, ठीक है। तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, PDF मिल जाते हैं बहुत सारी बुक्स के, उसके अलावा ऑडियो क्लिप्स मिल जाती हैं, बहुत सारी ऐप हैं, तो आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट इज़ द फैमिली टाइम। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, या कभी कभी क्या होता है अपने घर में रह के ही हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, सो इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर गिव योर टाइम टू योर फैमिली। फैमिली में आपके जो भी हैं घर में, बड़े हैं छोटे, आप उनको अच्छे से टाइम दे सकते हो, उनकी केयर कर सकते हो, उनकी बातें सुन सकते हो। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मेक अ रिलेशनशिप सो मच स्ट्रॉन्गर। अगर आपके जो भी लव्ड वंस हैं, जैसे कि आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ, आप जिसके भी साथ हो, बहुत अच्छे से उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से हम फ़ोन पे तो बात कर सकते हैं ना, सो डेफिनेटली आप फ़ोन पर भी अच्छे से बात कर सकते हो, फ़ोन पे एक दूसरे को टाइम दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है ना कि हम साथ रहें तभी अच्छे टाइम स्पेंड हो सकता है। सो फैमिली टाइम है, इसको ऐसे समझ के चलो, क्योंकि जितने ज़्यादा आप न्यूज़ देखोगे ना, उतनी ज़्यादा निगेटिव वाइब्स आपके दिमाग में आएंगी। अब देखो इस टाइम में हम कुछ कर नहीं सकते, अब हम सिर्फ घर पे रह सकते हैं और यही हमारा काम है। तो सिर्फ घर पे रहना ही इज़ नॉट दैट वर्क। तो इस टाइम पे आप खुद को एक्सप्लोर करो,
है ना, तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू. नाउ क्रिएट अ न्यू हैबिट. अब कोई नई हैबिट बना सकते हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अभी तक जितना भी मैंने डिफरेंट बुक्स में पढ़ा है कि कोई भी हैबिट अगर आपको अपने अंदर जनरेट करनी है तो इट टेक्स 21 डेज, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट इन योर लाइफ स्टाइल तो आपको 90 डेज लगते हैं एक हैबिट को कंटिन्यू करने में. सो गाइज, इस टाइम पर आप कोई भी नई हैबिट अपनी अंदर जो है जनरेट कर सकते हो. सो फाइंड योर सेल्फ कि आपको किस हैबिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. नाउ नेक्स्ट इज द न्यू रेसिपी. आप कोई भी न्यू रेसिपी बना सकते हो, अपनी फैमिली को खिला सकते हो, खुद की केयर कर सकते हो, खुद के लिए कुछ अच्छा सा बना सकते हो. सो इससे आपको भी पता चलेगा कि आपके अंदर भी कुछ डिफरेंट अच्छी अच्छी सी क्वालिटीज़ हैं. नाउ यू कैन टॉक विद योर लव्ड वंस, जो भी लव्ड वंस होते हैं, या फिर ऐसे हमारे जो बहुत ओल्ड फ्रेंड्स होते हैं. क्या होता है कि हम उनको टाइम ही देना भूल जाते हैं, पूरे टाइम इतना बिजी होते हैं अपने कॉलेज में, अपने वर्क में, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता है ना कि हम उनसे बात कर पाएँ. और हमारे पास एक्सक्यूज़ होता है कि यार टाइम नहीं मिलता, बट नाउ तो टाइम ही टाइम है ना, तो सीधे वो भी फ्री हैं, आप भी फ्री हो, फ़ोन मिलाओ, आराम से बात करो, ठीक है. सो इससे आपका भी टाइम पास अच्छा होगा, उनका भी टाइम पास अच्छा होगा, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि इन दोनों के बीच में आपकी जो रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है. और सिर्फ फ़ोन पर ये कोरोना वायरस मत डिटेल में डिस्कस करते रहना, आप अपनी बातें भी कर सकते हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप डिस्कस करोगे, होगा इससे कुछ नहीं, बस आपके दिमाग पर थोड़ी सी चीज़ आएंगी, यार कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, तो जब ख़त्म होगा तब देखा जाएगा, बट अभी इसको पॉजिटिव लो. नाउ वॉच मूवीज़. आप मूवीज़ देख सकते हो, ऐसा बहुत टाइम पे होता है, मतलब मेरे साथ तो मोस्टली होता ही है कि मुझे कोई भी मूवी पसंद आती है, कोई भी सीरीज पसंद आती है, और मैं उस टाइम पे देख नहीं पाती हूँ ड्यू टू माई प्रोजेक्ट्स, ड्यू टू माई क्लासेस, ड्यू टू माई सो मैनी मोर वर्क्स इन हॉस्टल एंड इन कॉलेज. सो इस टाइम पे आप मूवीज़ देख सकते हो, ठीक है. अपने फ्रेंड से पूछो कोई बेस्ट मूवी, कोई अच्छी मूवी, तो वो चीज़ें, ये भी नहीं कि दिन भर फ़ोन में और टीवी में लगे रहो और मूवी वगैरह देखते रहो, अपने आप को टाइम दे सकते हो, एक दो घंटा मूवी देख सकते हो. सो इट्स ऑल्सो अ गुड. नेक्स्ट इज द क्लीन योर रूम एंड योर स्टडी डेस्क. अगर आप घर पे हो, ठीक है, अगर आपके घर पे आपकी वार्डरोब वगैरह गंदी पड़ी हुई है, आप अपने जो भी कपड़े नहीं पहनते हो उसको अलग कर सकते हो, जो पहनते हो उसको अलग कर सकते हो. सो इस तरीके से आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो. और साथ ही साथ आपके पास जो इतनी सारी बुक्स पड़ी हुई है ना, सो उनमें से समझो कि आपकी कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपको अब नहीं पढ़नी है. सो इस तरीके से आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज द ट्राई DIYs and paintings. सो अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो बाई डूइंग DIYs and paintings. सो पेंटिंग बहुत सारे लोगों का शौक होता है ना, और कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम अपनी डेली लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, तो जो हमारी अंदर की जो हॉबीज़ होती है, जो हमारे अंदर टैलेंट होता है, वो कहीं ना कहीं छुप जाता है. तो इन 21 डेज में अपने अंदर के टैलेंट को निकालो. अगर आपको सिंगिंग करना पसंद है तो और ज़्यादा रियाज करो. अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप फ्रीली डांस कर सकते हो, ठीक है. 21 डेज हैं, कोई नए सॉन्ग पे डांस सीख लो. इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको डांस दिखाते हैं, सिखाते हैं, तो बस सब्सक्राइब करो उन यूट्यूब चैनल्स को, वीडियोस देखो. ओके, नेक्स्ट इज द यू कैन लर्न न्यू लैंग्वेज. सो न्यू लैंग्वेज को लर्न करना इट्स रियली वेरी गुड. सो आप कोई भी नई लैंग्वेज सीख सकते हो, जस्ट लाइक फ्रेंच है, स्पेनिश है, एंड सो वेरी मोर. कुछ लोगों को इंग्लिश भी सही से नहीं आती है, तो आप इंग्लिश भी कर सकते हो. जस्ट लाइक मी, मैं आप खुद क्लियरली बोल रही हूँ कि मेरी इंग्लिश इज नॉट सो मच गुड इन प्रोनंसिएशन, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू. ओके, सो आप इस टाइम पे नई लैंग्वेज सीख सकते हो. नेक्स्ट, यू कैन डू डिजिटल क्लीनिंग. नाउ डिजिटल क्लीनिंग इज वॉट इज डिजिटल क्लीनिंग का मतलब ये है कि आपके जो फ़ोन वगैरह हैं या फिर जो लैपटॉप होते हैं, उसमें कितना सारा कचरा हम भरते रहते हैं पूरे टाइम. बस मेल आया, हमने देखा, हम उसको डिलीट भी नहीं करते हैं. सो इससे क्या होता है, हमारा फ़ोन और जो हमारा लैपटॉप है वो भी स्लो होता जाता है. सो आप ईजिली, अब आपके पास 21 डेज है, तो आप एक दिन जो भी आपका ईमेल है, जो ईमेल का फोल्डर है, उसमें ईमेल्स जो आपको नहीं पढ़ने हैं या फिर जो बेकार के हैं, फालतू के आते रहते हैं, एड्स वाले, वो आप डिलीट कर सकते हो. आप अपने कॉन्टैक्ट्स जो कि सालों तक आपने यूज़ भी नहीं किए, मतलब कोई यूज़ भी नहीं है, पुराने वाले लैंडलॉर्ड का जो नंबर है, या फिर ऐसे लोग जिनसे आप आपकी बात भी नहीं होती, कोई मतलब भी नहीं है, तो आप उनका नंबर डिलीट कर सकते हो. बहुत सारे मैसेज मेरे फ़ोन में पड़े होते हैं, वो डिलीट कर सकते हो. सो यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके पास डिजिटल क्लीनिंग के. फोटोज डिलीट कर सकते हो, बहुत सारे फोटोज़ होते हैं, पता नहीं किसी से फोटोज़ पड़े होते हैं, सो आप उन्हें डिलीट कर सकते हो. मेरी तो स्क्रीनशॉट लेने की बहुत बुरी आदत है, सो मेरे फ़ोन में बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स होते हैं, तो मैं उनको जब भी टाइम मिलता है मुझे डिलीट कर देती हूँ, जिससे कि मेरा फ़ोन भी क्लियर रहता है और मुझे ज़्यादा हॉच पॉच भी नहीं लगता है कि सब इतना सारा क्या है, ठीक है. नाउ
मोस्ट इम्पॉर्टेंट डू एक्सरसाइज. वाई? बिकॉज अभी ना आपकी आदत थी रोज आप एक्टिविटी करते थे, रोज आप चलते थे, फिरते थे, अपने ऑफिस में जाते थे, स्टेयर्स पे चढ़ते थे, बट अभी आप सिर्फ अपने घर में हो. ठीक है, अब घर दिए तो नहीं है, घर में पूरी तरह से घूमते रहोगे, बेड पे बैठे रहते होगे, टीवी देखते रहते होगे, मोबाइल फोन चलाते रहते होगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी ओबेसिटी बढ़ जाएगी, आप मोटे हो जाओगे, और जब आप मोटे हो जाओगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. सो डेली सुबह उठ के एटलीस्ट 15 मिनट्स तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो ना. मैं ये नहीं कह रही कि बहुत जल्दी उठ जाओ, आप 7 बजे उठो, 8 बजे उठो ईजिली, और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो. कभी कभी आप ये भी चीज़ सोचो कि क्या होता है जब हम बिजी होते हैं ना, तब हम ना कभी सनराइज देख पाते हैं, ना सनसेट देख पाते हैं, हम नेचुरल ब्यूटी जो है उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते ना. तो ट्राई टू सी सनसेट सनराइज, तो आपको खुद में बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत काम फील होगा. सो दिस इज ऑल्सो गुड आइडिया. नाउ नेक्स्ट इज द यू कैन फोकस ऑन योर सेल्फ, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देखो यार, पूरे टाइम आप किसी से चिपके नहीं रह सकते ना, अब घर में जो भी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, आप पूरे टाइम किसी से पक 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 बातें भी नहीं कर सकते, आपका फ़ोन भी पूरे टाइम आपके साथ नहीं रह सकता क्योंकि उसकी भी बैटरी लो हो जाती है. सो कभी कभी आराम से, शांति से खुद को, खुद के बारे में सोचो कि आप क्या हो, आप क्या चाहते हो, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें गलत की हैं, क्या अच्छा किया है, आप क्या और बेटर कर सकते हो. सो खुद के बारे में जानने की कोशिश करो, क्योंकि जो इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ थी ना, उस बिजी लाइफ में कभी हम खुद के बारे में सोचते ही नहीं थे, है ना, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था. नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है, नेक्स्ट डे कॉलेज जाना है, यहाँ पे ये परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म करना है, सो मच प्रेशर ऑन आवर सेल्फ. सो ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ बाय आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से. ओके, सो दिस इज ऑल्सो गुड आइडिया. नाउ नेक्स्ट इज द आप एक जर्नल बना सकते हो. जर्नल जस्ट लाइक मेक अ डायरी इन 21 डेज के लिए, कि आप इन्होंने 21 डेज में आपने किया क्या. क्योंकि पता है बहुत सारे लोग बोल बोल के ना सिर्फ ये 21 डेज वेस्ट कर देने वाले हैं कि ये कब खुलेगा. भाई जब खुलेगा तब खुलेगा, और ये जो भी हुआ है ये हमारी ही सेफ्टी के लिए हुआ है, तो हम इसमें क्यों इतना ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि क्यों बंद कर दिया है. अगर आप ऐसे बाहर घूम रहे होते तो पता नहीं कितना ज़्यादा कोरोना वायरस सबको हो गया होता. सो इट्स गुड फॉर अस. सो इसको और अच्छा बनाओ ना, अपने टाइम को यूटिलाइज करो. वाई यू वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम? नाउ यू हैव चॉइस कि आपको दिन भर बेड पे पड़े रहना है या फिर आपको कुछ एक्टिविटी करनी है. दिन भर आपको नेटफ्लिक्स चलाना है, अमेजोन प्राइम देखना है, या फिर आप अनअकैडमी यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो अपनी पढ़ाई करने के लिए. और स्पेशली मैं लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगी फॉर द नीट एस्पिरेंट्स. आप लोग आई नो इस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होगे कि क्या करें, बाहर बंद हो चुका है, लॉकडाउन है. एक चीज़ मुझे बताओ, आपके पास बुक्स तो है ना, घर पे है ना, आपको पढ़ना है, आप भी घर पे हो, सिंपली अपने आप को टाइम दो, दिन भर पढ़ो. आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना है, कहीं भी आपको बाहर जाके खेलना नहीं है, अपने गर्लफ्रेंड से नहीं मिलना है, बॉयफ्रेंड से नहीं मिलना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट डू योर पढ़ाई. पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार ज़िंदगी में, तो पढ़ाई करने का बहुत अच्छा टाइम मिला है. 21 डेज में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. सो इस वैल्यू को समझो, ये जो आपको 21 डेज मिले हैं ये रियली बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है. मतलब सच में मेरे लिए, मैं तो ये कहूँगी कि इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस कि हम खुद को जान सकें और अच्छे से समझ सकें कि हम क्या अपनी लाइफ में चाहते हैं. सो आफ्टर दैट, जब ये 21 डेज का लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आप खुद को एक नए तरीके से एक्सप्लोर कर सकोगे, कुछ अच्छा कर सकोगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैसेज फ्रॉम माई साइड अबाउट दिस कोरोना वायरस एंड 21 डेज लॉकडाउन. सो मेरे लिए तो इट्स गुड बिकॉज इस टाइम पे आप खुद को टाइम दे सकते हो, अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकते हो. और स्पेशली ये जो बुक्स है ना स्टूडेंट्स के लिए, बुक्स स्टूडेंट के लिए यार सबके लिए, बुक्स जान होते हैं, तो इनको जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो ना उतना पढ़ा करो, क्योंकि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स. ओके, सो टिल देन गाइज, दिस इज ऑल अबाउट माई वीडियो, और आई होप आपको ये आइडियाज बहुत पसंद आए होंगे. तो पसंद आया तो बस अपने फ्रेंड के साथ जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो, और मुझे कॉमेंट सेक्शन बताना कि सबसे बेस्ट आइडिया आपको कौन सा लगा. उसके अलावा मेरे YouTube वीडियोस तो आते ही रहेंगे, क्योंकि मैं उनको बंद नहीं करने वाली हूँ, इसलिए बिकॉज भाई हमें पढ़ना है और पढ़ाना है, हमारी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होने वाली. ठीक है, तो कंटिन्यू पढ़ते रहो और बस घर पे रहो, सबकी हेल्प करो और खुद की भी हेल्प करो, खुद को एक्सप्लोर करो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्लिक द बेल आइकन. एंड मैं बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को देखो तो एटलीस्ट अपने 5 फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को. टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय.